अगर आप ज़ेब्रोनिक्स ZBT8591 इस 5.1 स्पीकर सिस्टम का अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो आप आए हो बिल्कुल सही वीडियो पे। मेरी चैनल पे आपको इसके अनबॉक्सिंग के साथ इसके रिव्यू का वीडियो भी देखने मिलेगा एंड और भी इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो देखने मिल जाएंगे। अब ज़ेब्रोनिक्स का ये वाला ही होम थिएटर सिस्टम क्यों मैंने खरीदा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसे मैंने खुद ने खरीदा है मेरे घर के यूज के लिए। अब ये मैंने क्यों खरीदा, इसका मेन रीजन ये है कि ये प्रॉपर 5.1 स्पीकर सिस्टम है। नहीं तो आजकल आपको शॉप्स में या ऑनलाइन ज्यादातर साउंड बार के साथ जो 5.1 वाले स्पीकर सिस्टम आते हैं वो मिलते हैं। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो आपको वो कभी नहीं खरीदना चाहिए अगर आपको 5.1 का ओरिजिनल सराउंड साउंड सुनना हो तो, ठीक है। क्योंकि मेरे कजिन के घर पे भी ऐसा एक साउंड बार है अलग से, दूसरी कंपनी का, जो काफी उसने पैसे खर्च करके लिया, लेकिन दोस्तों वहां पे प्रॉपर 5.1 का सराउंड साउंड इफेक्ट आता ही नहीं है। क्योंकि इंडिया के जो घर है ना, यहाँ पे हमें चाहिए एक 5.1 का स्पीकर सिस्टम जहाँ 5 स्पीकर्स और एक वूफर है, और इसीलिए मैंने ये मंगवाया। एंड आप मानोगे नहीं, ये आपके बजट में भी आ जाता है क्योंकि ये सिर्फ 6000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने वैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको चेकआउट करना हो तो। साथ ही साथ इसके अंदर HDMI आर्क भी आता है। आज के डेट में दोस्तों कोई भी अगर आप होम थिएटर सिस्टम लेते हो, अगर उसमें HDMI आर्क नहीं है, ये वाला पोर्ट नहीं है, तो आप उससे मत खरीदिए। चाहे वो 2000 का हो या चाहे 2 लाख का हो, वो मत खरीदिए। आज के रेट में अगर आपको आपके LED टीवी के साथ 5.1 स्पीकर का मजा उठाना है तो HDMI आर्क पोर्ट का होना जरूरी है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर ले एंड देन मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें क्या चीजें मिलती है। सो बॉक्स को मैंने निकाल दिया है, अंदर और एक बॉक्स आ गया है। सो फ्लिपकार्ट ने इसकी पैकिंग काफी अच्छी की है, ये मानना पड़ेगा। नाउ यहां अगर हम देखें तो सबसे पहले यहां पे लिखा है ज़ेब्रोनिक्स 5.1 स्पीकर ZBT8591 IUCF। अब यहां देखें तो इसकी डिटेल्स लिखी है, जैसे कि स्पेसिफिकेशन, इसका जो आउटपुट पावर है दैट इज 125 वॉट्स, एंड बाकी यहां पे डाइमेंशंस लिखे हैं। इसमें आपको FM रेडियो, रिमोट कंट्रोल, 16.51 सेंटीमीटर का सब वूफर, ये वॉल माउंटेबल है, स्टाइलिश डिजाइन एंड ड्यूअल माइक्रोफोन इनपुट पोर्ट आपको मिलता है। एंड चलते अब इस तरफ। नाउ यहाँ पे और इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि दिस इज इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय विच कंपनी, ज़ेब्रोनिक्स का नाम है। इसकी जो MRP है ये तो 12,999 की लिखी है, बाकी फॉर कंप्लेंट्स एंड एवरीथिंग ये है। पैकेज के अंदर क्या चीजें हैं ये सब मेंशन है। नाउ चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। ऊपर यहाँ पे लिखा है इट इज द साउंड मॉन्स्टर सर्टिफाइड। सबसे पहले इसको यहां पे साइड में कर देते हैं एंड एक एक करके चीजें निकालते हैं। सो दिस आर द सेटेलाइट स्पीकर्स, 1, 2 एंड सारी चीजें इसमें थर्मोकॉल के अंदर एकदम फिक्स पैक है। चलो ये भी निकालते हैं, 3 एंड 4 5। ये है सब वूफर। रिमोट कंट्रोल इस तरीके का है इसमें रिमोट, सो इट्स अ फुल फ्लेज रिमोट। न्यूमेरिकल बटन्स भी दिए हुए हैं एंड बाकी इस पाउच में आपको मिलता है ये वाला केबल। दिस इज द केबल, ठीक है, जो आपको टीवी से आइडियली यू नो इन स्पीकर में कनेक्ट करना होता है, बट हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे HDMI आर्क की केबल का। ओके, दिस इज अनदर कनेक्टर एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है दैट ये है वॉल माउंट्स, ठीक है, तो आपको इन स्पीकर्स के पीछे इसे लगा के वॉल माउंट करना है। ओके, अब इन सब पे से प्लास्टिक उतार देते हैं। प्लास्टिक अनव्रैप कर दिया, अब बचा है सिर्फ फ्रंट वाला पोर्शन हर एक स्पीकर में, ठीक है। अब देखिए इसे ओपन करते हैं, थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, देखते हैं, देखो इसकी क्वालिटी कैसी है। ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग एंड ये सारे यहाँ पे कंट्रोल बटन्स दिए हैं, ये सब आपको जानने मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस में जो मैं ज़ेब्रोनिक्स पे बना रहा हूँ।
इसकी मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, तो आपको देखने मिल जाएगा। सी आप देख सकते हो इसकी जो फिनिशिंग है ये पूरी पॉलिश्ड लुक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर में ये जब फ्रंट एंड साइड में रहेगा ना, ऐसे टीवी के बाजू में आप कहीं पे रखते हो सब वूफर को, तो बढ़िया दिखेगा। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे अगर आप देखो ये भी काफ़ी स्टर्डी है, मस्त है। इस तरफ ये सब वूफर की जो वॉइस आएगी, सो ये उसका आउटलेट दिया हुआ है। सबसे मेन बात इस यूनिट के पीछे की तरफ अगर हम देखें, ये है ऑन ऑफ की स्विच, यहाँ पे है ऑक्स ऑडियो इनपुट, FM एंटीना को लगाने के लिए भी है, एंड यहाँ से आप इनपुट कर सकते हो। तो DVD ऑडियो इनपुट ये आप करोगे तो आपको जो आउटपुट है वो 5.1 में मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ दोस्तों, कभी भी कोई भी होम थिएटर सिस्टम लो ना तो ये चीज देख के लो, आर्क इनपुट। यहाँ देखिए आर्क इनपुट एंड ऑप्टिकल इनपुट, ये सिर्फ आज के होम थिएटर स्पीकर सिस्टम्स में या अभी की जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें आता है आर्क इनपुट। ये मेन क्यों जरूरी है, इसका मतलब है HDMI इनपुट, ठीक है। तो आपके पास अगर LED TV है ना आज के जमाने में, तो उसमें आपको HDMI आर्क आउटपुट का एक पोर्ट जरूर मिलता है, एंड उस पोर्ट से आपको इसको कनेक्ट करना है, तो आपको 5.1 का ट्रू साउंड सुनने मिलेगा जब आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट करोगे। जब HDMI आर्क इनपुट पोर्ट की बात कर ही रहा हूं, तो आपको एक और चीज बता दूं कि इसके बॉक्स में आपको HDMI का केबल नहीं मिलता, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी टीवी से इसे कनेक्ट करने के लिए। आपको HDMI की केबल भी कौन सी मंगवानी है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर देखो तो यहाँ पे आप देखिए, मेरे पास दो HDMI की केबल्स है, ये दोनों अलग अलग है। नाउ ये एक HDMI की केबल है जिसमें ये ऐसा कॉपर का या ऐसा गोल्डन ये मेल है, एंड दिस इज द नॉर्मल वन। तो ऑलवेज HDMI केबल वो वाली लेना जिसमें ऐसा कॉपर या गोल्डन ऐसा आपको आउटपुट मिले, एंड नॉट दिस वन, ठीक है। वैसे अगर आपको HDMI केबल्स को चेक करना हो ना, तो इनकी लिंक मैं आपको वो भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के नीचे दे दूंगा, ताकि आपको हेल्प रहेगी। सो द डे यू ऑर्डर दिस वन ना, आपको एक अलग से एक HDMI की केबल को ऑर्डर कर देना है, ओके? इसके बाद बात करते हैं इस स्पीकर की या फिर सेटेलाइट स्पीकर की। इसका प्लास्टिक उतारते हैं एंड सी दिस इज हाउ इट लुक्स, रियली लुक्स नाइस, बहुत बढ़िया दिखता है। ये इसकी ये पूरा वुडन है जो बना हुआ है, एंड ये है इसके वायर की लेंथ। तो जो भी इसकी लेंथ होगी वो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा लिख के, है ना, पिन कमेंट आप चेक कर लेना। एक चीज जो मैंने मिस की वो ये कि इन स्पीकर्स में कहीं पे भी मार्किंग नहीं है कि भाई ये फ्रंट लेफ्ट है, फ्रंट राइट है, या कौन सा है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। एंड ये मैं आपको रिव्यू के टाइम पे रिव्यू वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ या फिर सब सही चला, ये मैं आपको जरूर बता दूंगा। सो दिस इज द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस होम थिएटर सिस्टम, ठीक है। आप मेरी चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने से आपको इस होम थिएटर सिस्टम पे जो सिर्फ 6000 रुपए के अंदर मिलती है विथ HDMI आर्क इनपुट वाले पोर्ट के साथ, तो इसमें आपको सारे वीडियोस मेरी चैनल पे देखने मिलेंगे। एंड हर एक वीडियो को आप जरूर से चेक कीजिएगा, आपको उनकी लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट दोनों में ही देखने मिल जाएगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।